अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच ड्रा हो गया था, जबकि दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने बआसानी 7 विकेटों से जीत लिया था। अब तीसरा मैच जो है वो है जुमेरात के दिन खेला जाएगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, तो ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 पर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच में प्लेइंग 11 क्या होगी। अगर बात की जाए पाकिस्तान के ओपनर्स की तो ओपनिंग में बाबर आजम ही बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जबकि फ़खर जमान बुरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं और मुसलसल नाकस कारकर्दगी की वजह से फ़खर जमान को तीसरे T20 में बेंच पर बिठाया जाएगा और उनकी जगह इमामुल हक को मौका दिया जाने का इम्कान है, जबकि नंबर 3 पर हारिस सुहेल खेलेंगे, नंबर 4 पर मोहम्मद रिजवान खेलेंगे। हालांकि मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी भी इंतहाई नाकस है, लेकिन पाकिस्तानी T20 स्क्वाड में सिर्फ एक ही विकेट कीपर है, बैकअप विकेट कीपर कोई भी नहीं है, तो मोहम्मद रिजवान तो लाजमी ही खेलेंगे। नंबर 5 पर इफ्तिखार अहमद खेलेंगे, नंबर 6 पर आसिफ अली की नाकस कारकर्दगी की वजह से आसिफ अली को ड्राप करके उनकी जगह खुशदिल शाह को डेब्यू करने का मौका मिलेगा, नंबर 7 पर मोहम्मद आमिर, नंबर 8 पर इमाद वसीम, नंबर 9 पर शादाब खान खेलेंगे। शादाब खान भी खेल सकते हैं या फिर उनकी जगह उस्मान कादिर को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। उस्मान कादिर भी शादाब खान की तरह एक स्पिनर है, तो नंबर 9 पर खेलेंगे वहाब रियाज। वहाब रियाज की जगह मोहम्मद हसैन भी खेल सकते हैं, क्योंकि वहाब रियाज ने मुसलसल नाकस कारकर्दगी दिखा रहे हैं टीम में, जबकि नंबर 10 पर मोहम्मद आमिर खेलेंगे, नंबर 11 पर मोहम्मद इरफान बाहर बैठेंगे और उनकी जगह मोहम्मद मूसा या मोहम्मद हसनैन में से किसी एक को मौका दिया जाएगा। तो मोहम्मद मूसा, मोहम्मद हसनैन, इनमें से किसी एक को मौका दिया जाएगा या फिर दोनों को मौका भी दिया जा सकता है वहाब रियाज और मोहम्मद इरफान को ड्राप करके, जबकि खुशदिल शाह को खिलाया जाएगा, आसिफ अली को ड्राप किया जाएगा, इसी तरह इमामुल हक को खिलाया जाएगा और फ़खर जमान को ड्राप किया जाएगा। तो यह है पाकिस्तान के तीसरे T20 में प्लेइंग 11। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।